अब इसके पास तो खत्म है यार, चल खत्म। कितने की हुई है 3 डब्बे पेट के लिए? मैंने कहा कितने की, ये पेट पे हाथ रख रहे हैं भाई साहब। तो अस्सलाम वालेकुम ज़ल्मी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि घर वालों ने भेजा है कि भाई घर के लिए कुछ राशन पानी लेकर आओ। तो मैं और मेरा ये दोस्त, हम दोनों निकले हैं और हम जो है राशन पानी लेने के लिए जा रहे हैं, और इफ्तारी को बस तकरीबन 20 मिनट रहते हैं, और इंशाल्लाह ये सामान लेकर फिर आपसे मुखातिब होते हैं, ठीक है? तो तब तक आप मेरा थोबड़ा मत देखिए, आप लोग रास्ते का व्यू देखिए, और हम रास्ते में शॉपिंग करके फिर आपको बता दें। इफ्तारी के लिए तकरीबन 30 मिनट रहते हैं, तो इन 30 मिनटों में हमने सोचा थोड़ा टाइम भी पास कर लेंगे और घर के लिए जो साजो सामान बनता है वो भी ले आएंगे, ठीक है? ये हम रोड की तरफ निकल आए हैं, और मैंने तो आपको वीडियो में बता दिया है कि इफ्तारी के लिए तकरीबन 20 मिनट रहते हैं। तो अभी रोड पे चल रहे हैं, और आज रोज़ा भी लगा हुआ है, बहुत सख्त था आज रोज़ा, और अभी तो फिलहाल चल रहे हैं। आगे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। लेना क्या? हाँ नहीं नहीं, ये नहीं लेना है। नहीं नहीं, दही बल्ले नहीं लेने भाई, हम गरीब लोग हैं, लोग नहीं है, लोग हैं। अरे 20 मिनट है, हाँ पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं, जानी टेंशन ना ले आप। अभी ये जो है यहाँ के बहुत मशहूर बार्बर है, जो बहुत अच्छी कटिंग भी करते हैं पेशावर में, और ये अभी हम अपने इलाके में, यही हमारे इलाके में एक चौक सा आता है, तो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होता है, और हमारी जगह जो है उस पर है, तो ये सब कुछ अवेलेबल नहीं। तो आज हमने अपने शर्म को टाटा बाय बाय कर दी है, और पहले तो शर्म आ रही थी पब्लिक प्लेस में बोलने में, लेकिन अब इंशाल्लाह शर्म नहीं आ रही है। अब ये भाई हमारे साथ, इन्होंने जो है बहुत टाटा कर दिया हमें, चौक की तरफ आ गए हैं। भाई वो सामने कचालू वाला खड़ा है ना, इससे तो पहले घर के लिए थोड़े से कचालू ले लेते हैं, फिर बाद में देख। इसके पास तो खत्म है खत्म। ये बच्चे जा रहे हैं, उनको भी घर की पड़ी होती है कि भाई यार दसरबान सजेगा। तो सामने माशाल्लाह बहुत प्यारा सनसेट है, धूप गिरने वाली है, और यहाँ पर सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। ये बिरयानी वाला आ गया, जानी 3 सिंगल बोल दे, हाँ 3 सिंगल ही बोल दे बस। हाँ बिरयानी भाई साहब, कैश दे दिए इनको, बस बिरयानी के डब्बे उठा लिए। भाई साहब ने दिखाए जरा यार, कितने की हुई है 3 डब्बे
पेट के लिए। मैंने कहा कितने तुम ये पेट पे हाथ रखे भाई साहब, चलते हैं जी आगे चलते हैं भाई। इस राइट हैंड वाली गली से ही निकल जाते हैं। ये पहलवान बेजार होकर आ रहे हैं, रोजा लगा हुआ है इनको भी, मुझे यही लग रहा है। और ये सब लोग ऐसे मुझे देख रहे हैं घूर घूर के कि मानो लग रहा हो ये आकर मुझे भी मेरा सर फोड़ देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम इफ्तारी में थोड़ा ही वक्त है तो लोगों का माइंड जो होता है वो आखिरी सतह पर जो है पहुंच जाता है, फिर बहाना ढूंढते किसी को भी मारने। तो हमारे हैदर भाई का घर पहुंच गया और उनको इजाज़त है, उनसे है कल भाई फिर मिलते हैं। क्या भाई बिरयानी मेरी हो गई, बिरयानी तेरी इधर दे, कल फिर मिलते हैं। चल ठीक है, ओके। तो भाई को रुख्सत कर दी है, अभी मैं जाऊंगा अपने घर की तरफ। ये इनका घर मुझसे पहले आता है, अभी मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। मेरा घर अभी भी बहुत दूर है, ये गली को क्रॉस करूंगा, फिर दूसरी गली आएगी और फिर उसको क्रॉस करूंगा, फिर तीसरी गली आएगी, तीसरी गली में फिर मैं जाऊँगा। दोस्त मिले पानी की टंकी और उसमें डूब के बस पी लूँ। चले, कोई मोटरसाइकिल वाला भी नहीं आ रहा पीछे से, के साथ बैठ जाए और चले जाए। इस गली को क्रॉस करूंगा तो फिर लास्ट के लिए खेत आएंगे। इस गली को क्रॉस करने के बाद खेत आएंगे, खेत को क्रॉस करूंगा तो फिर दूसरी गली आएगी। उस गली में इंटर होते ही मेरा घर होगा। क्या चाहते हो? यहाँ पर पहले खेत हुआ करते थे लेकिन अभी ख़त्म हो गया। यहाँ पर गाय को बांधा जाता है, एक गाय नहीं होती, ये फार्म है यहाँ पर, यानी कि लोग दूध लेने आते हैं। अभी तो क्लोज हुआ है क्योंकि वो उनके घर चले गए इफ्तारी करने के लिए, और यहाँ पर सब गायों को बांधा होता है और यहाँ से फिर अंदर ले जाकर दूध निकाल कर। फिर पड़ोसी है उसकी, यहाँ पर शॉप है, वो उसको भी लेने जाना है क्योंकि वो मेरे साथ ही जाता है घर। इस टाइम वो काम करता है, टेलर है, उसको भी साथ में उठाऊंगा, फिर दोनों जाएंगे घर पर। ये बच्चे मेरी तरफ ही देख, छेदा तानूर से दी। हाँ, ये मैं उसकी शॉप पर आ गया, ये लगा हुआ है। चलो शेख भाई हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये भाई हमारे टेलर हैं, ये पड़ोसी भी हैं, इनको साथ में लेकर जाता हूँ इफ्तारी के साथ, क्योंकि घर हम दोनों का आमने सामने ही है। और ये हमारे पहलवान भाई है, ये अपने कपड़े ले रहे हैं टेलर से, और ये उनकी प्यारी सी क्यूट सी बेटी है, और ये कैमरे की तरफ ही देख रही है, कैमरे की तरफ ही हैंग हो गई है। ये पहलवान की बेटी और ये हमारे शेख साहब के शागिर्द हैं, तो शेख साहब को साथ में उठाएंगे। चलो ना शेख साहब, आप फिर बैठ गए यार, नहीं है टाइम, नहीं है, उठो, 5 मिनट तो आप लॉक को बंद करो। और ये मेरे चार सूट भी तैयार हो चुके हैं, अभी कलेक्ट करूंगा। ये अब्दुल्ला के नेम से जो है, ये मेरे चार सूट भी रेडी हैं, इनको भी फिर उठाऊंगा। शेर साहब अपने आप को रेडी कर रहे हैं, तब तक मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ओह, इस तरफ हम नहीं जाएंगे, हमारा जो घर है वो इस तरफ आता है, हम इस तरफ से जाएंगे। शेख साहब निकल रहे हैं, और ये भी गली जाती है हमारे घर पर, लेकिन ये फिर रास्ता लंबा पड़ जाता है,
ہم شارٹ کٹ سے جائیں گے. شیخ صاحب جو ہے میں اپنی گلی میں انٹر ہو چکا ہوں. یہ مسجد ہے. مولوی صاحب بھی ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہا ہے. تو ابھی بس پہنچنے ہی والا ہے. جا کر ان شاء اللہ خوب پانی پئیں گے. سب سے پہلے تو آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے, اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا کریں گے, پھر جگ کو اپنے سر پر ڈال دیں گے. یہ پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی ہے. یہ بچے بھی میری طرف ہی دیکھ میرے گھر کی طرف بھی شرما رہے ہیں. جب میں نے جیسے کیمرہ گھمایا تو شرما رہے ہیں. یہ اسکول ہے ہمارے ایریا میں, چھوٹا سا اسکول ہے بچوں کے لیے. اور چلیے انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے آپ لوگوں کے ساتھ. ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک کرنا مت بھولیے, کیونکہ اس روزے کے دوران بھی آپ لوگوں کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی. تو اپنا پیار ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. تک کے لیے اللہ حافظ. اور یہ گرین گیٹ جو ہے یہی ہمارا گھر. ٹھیک, میں جاتا ہوں افطاری کے لیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.